Morning, my dear students, for class 9th and 10th students. Today I am IDP sir with a new video, heredity and variation. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज हेरिडिटी. तो हेरिडिटी मींस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. यही मतलब होता है हेरिडिटी का. सिंपल मतलब यही होता है. अब अगली बात आती है, हाउ डज हेरिडिटी टेक्स प्लेस, हेरिडिटी होता कैसे. तो इन आवर बॉडी क्रोमोजोम्स, मोटे तौर पर हम क्रोमोजोम को डीएनए भी कह सकते हैं, जीन्स भी कह सकते हैं. क्रोमोजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर और जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर. ठीक है, दीज जीन्स और क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर इट इज सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप, the genes or chromosomes passes from one generation to another generation or from one cell to another cell. ठीक है, due to which the characters also passes in sexual reproduction. It occurs in some way and in asexual reproduction it occurs in another way. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरीके से होता है, किसी और तरीके से होता है, ए सेक्सुअल में किसी और तरीके से होता है, बस अंतर इतना ही होता है. लेकिन डीएनए पास होता है कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ठीक है, ये जो डीएनए पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, या सेल फॉर्मेशन के समय एक सेल से दूसरे सेल में, या मिक्सिंग ऑफ क्रोम डीएनए होता है, इसी से हमारा कैरेक्टर डिसाइड होता है. ठीक है, अब यहां एक सवाल आता है, एक दूसरा वर्ड है वेरिएशन. अभी तक तो मैं बता रहा था हेरिडिटी के विषय में. ठीक है, वेरिएशन क्या होता है. तो द चेंजेज अपीयर्स इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन whether it is minute or at a large scale. There are certain changes to which we cannot judge properly, even cannot see, but changes are there. जब भी हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात करते हैं तो changes होते हैं. जैसे for example, any of the child is neither a true copy of his father nor a true copy of his mother. कोई भी बच्चा न तो अपनी माँ का true copy होता है न अपने पिता का true copy होता है. ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर थोड़े बहुत character माँ के हैं, थोड़े बहुत character father के हैं. Some of the characters are of mother, some of the characters are of father, even ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के भी कुछ कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, तो इसी को कहा जाता है वेरिएशन. क्या कहा जाता है, वेरिएशन अकर्स. ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाई दिस वेरिएशन अकर्स, ये वेरिएशन होता क्यों. तो दिस वेरिएशन अकर्स ड्यू टू द चेंजेज इन द जीन्स आर क्रोमोजोम्स. ये वेरिएशन क्यों होता है, जीन्स और क्रोमोजोम में होने वाले चेंजेस की वजह से होता है. एंड दैट्स व्हाई इट पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है, इसीलिए पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन. अगर वेरिएशन जीन्स की वजह से ना हो तो पास नहीं हो सकता. देयर आर सर्टेन सोमेटिक वेरिएशन which occurs in our body, but this character never passes from one generation to another generation. ये character कभी नहीं pass होता है.
क्यों नहीं पास होता है? क्योंकि इसने जीन्स को नहीं इफेक्ट किया, बिकॉज दिस कैरेक्टर हैज नॉट इफेक्टेड द जीन्स. इफ द जीन्स इज नॉट इफेक्टेड, द कैरेक्टर विल नॉट पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड इट विल एंड अप इन वन जनरेशन. जैसे कभी कभी हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनके बच्चे कोई जरूरी नहीं वो प्लेयर बन ही जाए, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते, है ना? तो सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है. अब सवाल ही पैदा होता है कि इस वेरिएशन का फायदा क्या है. तो पहला वाला मैंने बताया, जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जीन के लेवल पर जो वेरिएशन होता है या चेंजेस होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, वो बदलते नहीं, वो पास होते रहते हैं जनरेशन टू जनरेशन. लेकिन सोमेटिक वेरिएशन रुक जाते हैं. इस वीडियो में बस इतना ही मैंने बताऊंगा, कल मैं सोमेटिक और जेनेटिक वेरिएशन, जो जीन्स पर चेंजेज होते हैं, तो उनके विषय में बताऊंगा, ठीक है. इस पर थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. आप लोग इस वीडियो को सुनिए और कोशिश ये करिए कि इस पर अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हमसे पूछिए भी, ठीक है. और हो सके तो इसको शेयर करिए, अगर अच्छा लगे आपको तो इसको शेयर करिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.